जबलपुर में बीएसएनएल के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। सभी कर्मचारी महाप्रबंधक कार्यालय के सामने जमा हुए, जहां अपनी मांगों और उपभोक्ताओं के हितों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी यूनियन का आरोप है कि पिछले 3 महीने से वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। अब बीएसएनएल का पूरा काम निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी मांगें पूरी न होने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी भी दी है। एम्प्लाई यूनियन ने कर्मचारियों की समस्या और बीएसएनएल के विकास और उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए 8 सूत्री मांग पत्र महाप्रबंधक महोदय को 16/8/2021 में दिया था, और उसके बाद हमने ध्यान आकर्षण प्रदर्शन 25 अगस्त को किया है, लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा 8 सूत्री मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके अंतर्गत हमने 25 तारीख को ऐसी ही एक सभा में ये निर्णय लिया कि हम आज काला दिवस मनाएंगे।